क्या हाल है बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज की वीडियो में मैंने ज्वाइन करा एक ऐसा सर्वर जहां पर 800 से भी ज्यादा प्लेयर खेलते हैं एंड ये सर्वर एक लाइफस्टाइल सर्वर है। अरे मतलब कि अगर मैं मोगैम्बो इस सर्वर में हाँ यही बॉडी वाला, अगर मैं किसी भी प्लेयर को मारूंगा इस सर्वर के अंदर तो उसका दिल मुझे मिल जाएगा। क्यों है ना काफी मजेदार चीज। लेकिन यार बस एक दिक्कत है, दिल तो मैं किसी का भी चुरा लूं पर मम्मी कहती है चोरी करना गलत बात है। तो हर बार की तरह इस वीडियो में भी मुझे 3 गोल कंप्लीट करने। सबसे पहला मुझे बनाना है एक सीक्रेट बेस जिसमें मैंने वीडियो के एंड में छुपाए डायमंड्स और नेदराइट के ब्लॉक्स, एंड अगर वो बेस तुम में से किसी एक को मिल जाए तो भैया हाय हाय हाय। एंड दूसरा मुझे बनना है इस सर्वर का सबसे अमीर आदमी, अच्छा जिसके लिए मुझे $1,000,000 इकट्ठा करने। एंड तीसरा मुझे लोगों को मार के इकट्ठा करने 50 दिल। ठीक है समझ गया। बस भाई इतना ही है, 10 मिनट की वीडियो में अब जान लोगे क्या। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं इस SMP में। अरे यार एक तो ये 100 डेज की आदत है। तो पहले दिन जब मैं इस SMP में आया तो इसमें काफी सारे लोग खेल रहे थे एंड हाँ काफी बढ़िया SMP बना रखी है इन्होंने। लेकिन भाई सही बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। तो फिर मैं थोड़ी देर तक लॉबी में घूमा एंड आई केम टू नो कि सर्वर की साइट पे जाकर अगर मैं वोट करूंगा तो मुझे कुछ कीज मिलेंगी और उन कीज से मैं चेस्ट खोल सकता हूँ जिसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है। तो वोटिंग करने के बाद मुझे 5 कीज मिल गई थी जिससे मैंने क्रेट्स खोली एंड मुझे मिले हीरे, चांदी और दूरबीन, अरे स्पाई ग्लास अंग्रेजों। एंड लेकिन मुझे सबसे बढ़िया चीज मिली वो थी मनी सैचल, हिंदी में बोले तो पैसे का डिब्बा। एंड फिर मैंने इस डिब्बे को खोला तो मुझे $10,000 मिल गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई साहब पहले दिन ही 10,000, लक्ष्मी जी प्रसन्न है मुझसे लग रहा है। लेकिन जो भी है मुझे काफी अच्छा सामान मिल गया था। अब बारी थी टूल्स बनाने की। लेकिन तब मैंने नोटिस करा कि भैया चैटों में तो कुछ बातें चल रही हैं। काफी लोग मुझे जानते थे तो चैट पे सिर्फ बिग फैन चल रहा था। वो बात अलग है, कुछ लोगों को मैंने डायमंड देके बुलाया था। करना पड़ता है यार, तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते बताओ। एंड मैंने नोटिस करा कि चैट में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि टीपी मी फॉर फ्री लूट्स। अबे चल गधा समझाए क्या, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कुछ। अरे तुम पॉलिटिक्स समझ नहीं रहे हो। अगर भाई तुमने उसकी टीपी एक्सेप्ट कर ली ना वो तुम्हें मार के तुम्हारा दिल चुरा लेगा। भाई मुझे पता है मेरी कुटाई हो चुकी है, मेरे पास सिर्फ 8 ही दिल बचे हैं। और मेरी मोगो आर्मी ने मुझे कुछ खाना पीना और औजार वगैरह दे दिए थे तो मैं अब ग्राइंड शुरू कर सकता था। ग्राइंड से मेरा मतलब सबको मार के उनका दिल चुराना। और इस शुभ काम में हाथ बटाने के लिए सिद्धार्थ भी सर्वर में आ गया था। तो मैं और सिद्धार्थ काफी देर तक बंदों की तलाश में इस वर्ल्ड में घूमे, लेकिन भैया दूर दूर तक एक भी प्लेयर का नामो निशान ही नहीं था। एंड फिर हम थोड़ी देर तक और घूमे और हमें एक सस्ता आईफिल टावर दिखा, लेकिन ना भैया ना ये कोई बिल्ड वगैरह नहीं थी, ये एक ट्रैप था। बंदे तुम्हें वहां पर ऊपर टीपी बुला के तुम्हें सीधा वहां से नीचे धक्का देते और तुम खत्म। इसलिए बता रहा हूँ भाई कभी किसी की टीपी एक्सेप्ट मत करना। ट्रैप इधर था तो यार कोई प्लेयर भी यहाँ हो सकता था। तो मैं इधर काफी देर तक घूमा एंड तभी मेरे पास एक प्लेयर ने टीपी कर दी और भैया टीपी मारने के बाद वो नाचने लग गया। मैं इस गुलाबी को पीटने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने मुझे बताया भैया ये तो सर्वर का ओनर है। क्या ही नसीब है, साक्षात मालिक ने दर्शन दे दिए। आजकल भैया का ही ओनर वगैरह किसी से मिलते हैं भाई। जो भी हो इस सर्वर का मालिक काफी अच्छा है, काफी फ्रेंडली है। अबे भाई क्या कर रहा है ये TNT। हेलो बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जो भी हो इस सर्वर का मालिक काफी अच्छा है, काफी फ्रेंडली है। अच्छा भाई सही बता रहा हूँ, अगर इसके पास क्रिएटिव नहीं होता ना तो जो कुटाई करता मैं इसकी। वेट 1 मिनट, ये क्या दे रहा है। ओ भाई साहब ये क्या चीज है। हेलो लाइट सेबर। ओ भाई साहब क्या क्या लगा हुआ है इसमें। भाई साहब अच्छा है भाई, ओनर अच्छा है, क्यूट है, काफी क्यूट है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मैं ओनर और सिद्धार्थ बात कर ही रहे थे कि तभी एक बंदे ने हमारे पास टीपी मार ली। इसका नाम फायर ईशान था तो इसको हमने फायर से ही मारा। सॉरी ईशान भाई, लेकिन देखो गलती किसकी है। बट इसको मारने के बाद यार मुझे इसका दिल मिला ही नहीं, वो सुअर ओनर के पास ही दिल चला गया। बताओ। लेकिन जो भी हो अब मुझे मेरे टास्क कंप्लीट करने थे तो मैं इन दोनों को अलविदा करके अपने सफर पे निकल लिया। सफर पे क्या, मैं स्पॉन पे आ गया। बिकॉज अगर मुझे 50 हार्ट्स और $1,000,000 इकट्ठा करने तो इस सस्ते आर्मर से कुछ नहीं होगा। एंड आर्मर इकट्ठा करने के लिए सबसे सिंपल रास्ता ये था, मैं एप्पल MC वालों के स्टोर पे गया एंड वहां से मैंने 15,000 कॉइन रिडीम कर लिए। वो बात अलग है, मम्मी के 15,000 चाटे भी खाने पड़े, बताना मत किसी को। एंड फिर कॉइन्स खरीदने के बाद मैं सर्वर में वापस आ गया एंड मैंने इस गांव वाले से काफी सारी कीज खरीदी। उन कीज से मैंने स्टार वॉर्स वाली क्रेट खोली एंड सबसे पहली चीज मुझे मिली, क्या बात है आज तो नसीब बिल्कुल चमक रहा है। एंड फिर मैंने दूसरी क्रेट खोली तो उसमें भी सेबर निकला। एंड फिर मैंने तीसरी खोली तो उसमें भी सेबर निकला।
चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं सब में सेबर निकला है भाई। नहीं नहीं क्या करूं मैं इतनी सारी फुलझड़ियों का, पटाखे की दुकान खोल लूं, फुलझड़ियां बेकूं। अबे मतलब हद है भाई, पूरे पैसे बर्बाद करवा दिए। डोंट पुट माय फीलिंग्स इन द डस्टबिन। चलो जो भी है, कम से कम मुझे नेदराइट का आर्मर तो मिल गया। एंड हाँ, ये दो हेलमेट भी मिले थे, पता नहीं किस काम के हैं ये। मेरे पास नेदराइट का आर्मर तो आ गया था, लेकिन यार मेरे पास टूल्स वगैरह नहीं थे। तो फिर मैंने सिद्धार्थ को बुला के उससे ट्रेडिंग करी। यस, तुम इस सर्वर पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो एक दूसरे से। सिद्धार्थ से मैंने ट्रेड करके कुछ नेदराइट के टूल्स वगैरह ले लिए, और भाई अब मेरे पास काफी सारी ओपी ओपी चीजें थी। लेकिन यार सही बताऊं तो मुझे खुशी कम डर ज्यादा लग रहा था। अरे यार बाय चांस अगर मुझे किसी ने टीपी करके मार दिया तो भैया वो तो रातों रात अंबानी बन जाएगा, और ऐसा ना हो तो भाई उसका सिर्फ एक इलाज था कि मैं ये सारा सामान कहीं छुपा दूं। तो दैट इज व्हाई मैंने वर्ल्ड में टीपी मारी एंड काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। एंड काफी देर तक घूमने के बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना घर समुंदर के अंदर बनाऊं। थोड़ी जगह बनाने के बाद मैंने एक चेस्ट बना के उसमें अपना सारा इम्पोर्टेंट सामान रख दिया। एंड मेरे पास सामान खत्म हो गया तो मैं स्पॉन पे गया। लेकिन मैं स्पॉन पे गया तो मैंने देखा भाई काफी सारे प्लेयरों की भीड़ लग रही थी। एक्चुअली ये सब पिनाटा पार्टी के लिए वेट कर रहे थे। इस पिनाटा पार्टी में होता क्या है कि यहाँ पर एक लामा स्पॉन होती है, और उसे तुम जितना कूटोगे तुम्हें उतनी सारी कीज मिलेंगी। एक तरफ से ये इस सर्वर का भंडारा है, तो भाई मैंने भी इस भंडारे में पार्टिसिपेट किया एंड मुझे 4 कीज मिल गई। वो बात अलग है, मुझे क्रेट खोल के सब चीज टट्टी मिली। एंड यार मुझे 50 दिल भी इकट्ठा करने थे, तो उसके लिए मुझे प्लेयर को मार के उनके दिल चुराने थे। एंड वैसे भी मेरे पास बहुत लोगों की टीपी आ रखी थी, तो मैंने सबकी टीपी एक्सेप्ट कर ली इस उम्मीद में कि हमारी लड़ाई होगी। लेकिन भाई आधे से ज्यादा लोग मुझे जानते थे कि भाई कोई फाइट ही नहीं कर रहा यार मुझसे। सही बताऊं मन तो कर रहा था एक एक को मौत की घाट उतार दूं, लेकिन यार वो अनसब्सक्राइब कर देते तो फिर दिक्कत हो जाती है। बात तो सही है, लेकिन कुछ भी करके दिल इकट्ठा करने तो थे ही। तो मैं मेरी मोगो आर्मी के साथ सर्वर में प्लेयर की तलाश में काफी देर तक घूमा। एंड मैं घूमते घूमते रात हो गई, लेकिन भाई एक भी बंदा नहीं मिला। एंड यार शायद से हमें एक आध प्लेयर कोई मिल भी जाता, लेकिन यार मेरा गेम ही क्रैश हो गया। एंड मैंने जब दोबारा लॉगिन करा तो मैंने देखा जिन बंदों के साथ मैं घूम रहा था उनमें से कोई मुझे मार के भाग गया एंड मेरा सारा सामान भी ले गया। भाई ठीक है भाई, मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ ही स्कैम कर रहे हैं। वैसे अच्छा हुआ ना मैंने सारा सामान छुपा दिया था, वरना जिसने मुझे मारा भाई उसे सब कुछ मिल जाता। आफ्टर दैट मैंने देखा कि इस सर्वर पे गेम बीट भी खेल रहा था। हाँ, काफी सारे यूट्यूबर खेलते हैं इस सर्वर में, तुम भी आओ खेलो काफी मजा आएगा। तो मैंने गेम बीट पे टीपी मारी तो पता नहीं वो इस काली गुफा में क्या कर रहा था। तो मैंने उससे डिस्कॉर्ड पे बात करी तो उसने बताया कि ये उसका घर था। ठीक है, अच्छा है अच्छा है, काफी अच्छा घर है। एंड फिर गेम बीट और मुझे एक काफी खुराफाती आइडिया आया। हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ पर प्लेयर्स को टीपी करवाएंगे एंड फिर मिलके उन्हें मारेंगे। तो फिर मैंने गेम बीट और विशक्राफ्ट ने एक एक करके सबकी टीपी एक्सेप्ट कर ली, और फिर तो भैया आ गया आ गया आ गया आ गया। एंड भैया हमने यहाँ पर प्लेयर्स को बुला बुला के काफी सारे हार्ट्स इकट्ठा कर लिए। वो बात अलग है कि आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर ही थे। तो इसके बाद सिद्धार्थ ने भी पता नहीं क्यों मुझे टीपी भेजी। तो फिर मैंने सोचा सबको पेला जा रहा है तो क्यों ना सिद्धार्थ को भी पेल दिया जाए। इसके बाद हमने सिद्धार्थ को डिस्कॉर्ड पे बुलाया उसका रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन भैया चचा तो भड़क गए। वो गिव अवे है। कौन सा गिव अवे? जो तुम तोड़ दिए दो ठो। अरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे यार तू भाई। तो बता तो देता मैं कुछ और पहन लेता। काफी सारी इज्जत मिलने के बाद मुझे दो चीज तो समझ में आ गई थी कि इंसान को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और दूसरी इसको बीपी की प्रॉब्लम है भाई। थोड़े से लड़ाई झगड़े के बाद फिर सिद्धार्थ भी हमारे साथ प्लेयर्स को मारने लग गया। एंड फिर हमने काफी सारे लौंडों की कुटाई करी, और इवन मेरे पास 39 हार्ट्स भी हो चुके हैं, बस 11 और चाहिए। लेकिन यार अभी मुझे $1 million भी तो कमाने हैं। एंड तुम्हें तो याद है मेरे पास काफी सारे सेबर्स हैं, तो मैंने 3 सेबर्स को तो ऑक्शन में बेच दिया एंड उन्हें बेचने से मुझे $4.5 lakh भी मिल गए। एंड अभी भी मेरे पास भाई 17-18 सेबर बचे हुए थे। क्या करें इनका। ओके, तो मैंने 5 सेबर इस मैप के अंदर छुपा दिए। ये रहे इनके कोऑर्डिनेट्स, जल्दी से जाके ढूंढ लो। मेरे पे पैसे तो बहुत सारे हो गए थे, लेकिन यार 1 million के लिए अभी और चाहिए था। तो विशक्राफ्ट ने मुझे एक स्कीम बताई जिससे मैंने कमांड में /kits लिखा एंड मुझे काफी सारी ओपी ओपी चीजें मिल गई, लाइक नेदराइट का आर्मर और ट्राइडेंट्स वगैरह। तो मुझे जितना भी फ्री का सामान मिला मैंने क्या काम करा, मैंने ऑक्शन पे $50,000 का बेच दिया। एंड फाइनली गाइज $1 million हमारे हो गए। एंड यार मेरे गेम बीट और विशक्राफ्ट के पास बहुत सारा सामान बचा हुआ था, तो मैंने उन दोनों को मेरे बेस में बुला लिया एंड हमने
अपने बेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। हमने एक बहुत ही बढ़िया एक लिविंग रूम टाइप बनाया और एक चेस्ट रूम, एंड हमारे पास जितने भी नेदराइट और डायमंड के ब्लॉक्स थे वो हमने जमीन पे लगा दिए। ये सब ब्लॉक्स लगाने के बाद भाई साहब कसम से बहुत बढ़िया बेस लग रहा था हमारा। और अब यार मेरा बस लास्ट गोल बचा था जो कि था 50 हार्ट्स, तो मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स को बुला के उनसे हार्ट्स की भीख मांगी एंड फाइनली मेरे भी 50 दिल हो गए। तो गाइस अब मेरे तीनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं एंड यार सबका शुक्रिया जिसने मुझे मदद करी भाई। लेकिन जो भी हो कसम से मजा आ गया आज तो। एंड हाँ अगर तुम्हें भी मजे करने तो भाई खेलो मेरे साथ, आईपी वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर भाई चलो मैं मिलूंगा अब तुमसे अगली मजेदार वीडियो में। तो भैया बाय बाय। दिन रात भागे पीछे अपने ख्वाब के घर जैसे कांच के सबार पार देखे, पूरी दुनिया के सामने मैं खड़ा सीना तान के है, दांव पे जान के से हार मान लेते, बार बार कहते हैं कि बात अपने आप को के बदलेगा वक्त, चाहे जैसे भी हालात हो संभाल अपने आप को।